नमस्कार दोस्तों, सीएससी बीएलई अपडेट में मैं साहिल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डीजे का परमिशन के लिए कैसे अप्लाई करना है। आप सभी लोग जानते होंगे कि डीजे का परमिशन लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है या फिर आपको अपने थाने में जाके अप्लाई करना होता है, वहाँ से आपको परमिशन मिलता है। तो मैं आपको ऑनलाइन के माध्यम से बताने वाला हूँ कि डीजे का परमिशन आपको कैसे करना है और कैसे मिलेगा। सबसे पहले मैं आपसे करूंगा एक गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल सीएससीबीएलई अपडेट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। दोस्तों, डीजे का परमिशन ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी ई डिस्ट्रिक्ट के आईडी और पासवर्ड की, जिसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, जिसे आप चाहें तो जाके देख सकते हैं और डीजे डिस्ट्रिक्ट के लिए आईडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने पोर्टल को लॉगिन कर लेता हूं और आपको बताता हूं कि डीजे के लिए परमिशन के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो हम आ गए हैं अपने पोर्टल की तरफ, जहां आप देख सकते हैं आय जाति निवास मृत्यु जन्म का सारा इसमें सब कुछ दिया हुआ है। यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीजे परमिशन के लिए आपको ऑनलाइन कैसे करना है। तो आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, लाउड स्पीकर लोक संबोधन प्रणाली का एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहां पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म ओपन होगा। तो दोस्तों, फॉर्म कुछ इस तरह का आपका ओपन होगा, आप यहां देख सकते हैं। इसमें आपको सबसे पहले यहां आपको भरना है आवेदक का नाम या फिर किसी संस्था का नाम। अगर आप एक व्यक्ति हैं तो आप यहाँ नाम भर सकते हैं, और अगर किसी संस्था के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ टिक करके आप यहाँ संस्था का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद आवेदक के पिता का नाम दे सकते हैं आप यहां पे। उसके बाद आपको यहां पे मोबाइल नंबर दे देना है, फिर यहां आधार नंबर दे देना है, फिर अपना ईमेल आईडी दे देना है, उसके बाद फिर यहां पे पता दे देना है जहां के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जहां के लिए आप परमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पर आपको किस तरह का प्रोग्राम आपको कराना है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, वैवाहिक है, मांगलिक है, क्या है, सारा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। इसमें जो भी आपको करवाना हो आप यहां से उसे सेलेक्ट करके आप उसके बाद फिर यहां पे कार्यक्रम का स्थल देंगे, जहां पे आपको कार्यक्रम कराना है वहां का एड्रेस आप यहां देंगे। तो यहां मकान नंबर आप दे सकते हैं, ज़िला दे सकते हैं, उसके बाद तहसील, उसके बाद थाना आपको देना है, और यहाँ पे पिन कोड दे देना है। और अगर आपका डीजे है, अगर डीजे गाड़ी है उसका, अगर आपको रोड पे अगर प्रोग्राम करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे विवरण दे देना है। और आपको यहाँ पे 11वें नंबर पे आपको यहाँ दिखा देना है कि आप आवासीय औद्योगिक किस क्षेत्र में आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको वो ऑप्शन चूज कर लेना है। उसके बाद प्रोग्राम आपका कब से कब तक के लिए होने वाला है, तो आप यहाँ पे यहाँ डेट डाल देंगे जिस डेट में आपका प्रोग्राम होना है। और उसके बाद यहाँ आपको डाल देना है कि वो कितने तारीख को समाप्त होने वाला है। उसके बाद आप यहाँ पे टाइम डाल देंगे कि कितने टाइम से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। फिर उसके बाद आपको यहाँ डाल देना है कि वो प्रोग्राम कितने बजे ख़त्म होना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज कर लेना है कि आपका जो आज जो परमिशन कर रहे हैं उस परमिशन में आपको ये क्या चीज़ है, यहाँ लाउड स्पीकर संगीत यंत्र या फिर किस चीज़ के लिए आप कर रहे हैं, वो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जिस भी व्यक्ति का डीजे है उस व्यक्ति का यहाँ पर विवरण देना है, यहाँ दुकानदार का नाम देना है, उनका मोबाइल नंबर देना है, उनके दुकान का पूरा पता देना है। उसके बाद यहाँ अटैचमेंट में आप यहाँ देख सकते हैं जो भी आवेदन करवा रहा है अपने नाम से, जिसके नाम से आवेदन होना है, उनका एक फ़ोटो और एक सुप्रमाणित घोषणा पत्र, उसके बाद उनके आवेदक के प्रत्येक का प्रमाण आप दे सकते हैं, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ नीचे अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैं इसमें आपको बता दूँ कि इसमें क्या लगना है। इसमें दोस्तों जो डीजे परमिशन, जो डीजे आपको साउंड देता है उसका एक रसीद होता है, वो रसीद यहाँ अपलोड करना होता है। उसके बाद आप यहाँ से दर्ज कर देंगे। दर्ज करने के 3-4 दिन के बाद आपको, मैं आपको दिखाता चलूँ, दर्ज करने के 3-4 दिन के बाद आपका वो परमिशन ऑनलाइन ही बन के आ जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल के इनबॉक्स में, जो यहाँ इनबॉक्स दिया हुआ दोस्तों, यहाँ अदर वाले ऑप्शन में वो परमिशन का आपका लेटर आ जाएगा, जिससे आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो हमारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला भी बना रहे आप लोगों के प्रति।